बताएं किस तरह से आपको धमकी भरा फोन आया था, क्या पूरा शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है? और कहां से था फोन ये? आज सुबह मैं अपने तिलक नगर निवास पर स्टडी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी 11:40 पर एक अज्ञात नंबर से मुझे कॉल आया और उस नंबर पे सबसे पहले मेरा नाम पूछा कि महेंद्र सिंह सोलंकी बोल रहे हैं। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने मुझे गाली गलौज करना शुरू किया और कहा कि तुम राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की बहुत सारी वीडियो बना रहे हो। तो मैंने इस बात का विरोध किया कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लोग बेचकर, अपनी टीम बेचकर तुम्हें मरवा दूंगा या फिर मैं स्वयं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब मैंने नाम जानना चाहा तो उसने फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन काटने के बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय देवास श्री संपत उपाध्याय जी को सूचना की और उन्हें बताया कि इस नंबर से मुझे एक अननोन व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। इसके पश्चात मेरे द्वारा अपने परिवार को इस घटना से अवगत कराया गया। अभी वर्तमान में पुलिस इस बात की इंक्वायरी कर रही है। मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, पुलिस प्रशासन जो करेगा वो बेहतर होगा। जैसे आप बता रहे कि फ़ोन कानपुर से था, चूँकि मध्य प्रदेश के सांसद और कानपुर से फ़ोन, बाद में जब एसपी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे प्राइम ऑफिसर ही बताया था कि ये नंबर जो है कानपुर से था और अंतिम बार ये वहीं पर बंद हुआ है। बाकी जानकारी आपको पुलिस ही दे पाएगी। भाई साहब, पहली बार ऐसी घटना घटेगी और भी पहले की वजह से हो चुका है? अब चूंकि देश का काम करते हैं, राष्ट्रवाद का काम करते हैं, हिंदुत्व का काम करते हैं, तो इस प्रकार की घटनाएँ होती रहती हैं, लेकिन ये पहला मामला है जब मुझे किसी व्यक्ति ने फ़ोन कॉल करके धमकी दी है। इसके पहले भी फेसबुक के माध्यम से और SMS के माध्यम से इस प्रकार की धमकियां मिली हैं, लेकिन उसको चूंकि हिंदूवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, देश का काम करना है, तो हम इस तरह की धमकियों से बिल्कुल डरते नहीं हैं। सर, किस समय फ़ोन आया था ये? 11:40 पे कॉल आया था। पहले एक 9 सेकेंड का कॉल रहा, इसके बाद फिर एक कॉल 27 सेकेंड का रहा जिस पर उन्होंने मुझे धमकी दी। नहीं, इस तरह के राजनीति से जुड़े हुए लोग इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। अब ये कौन व्यक्ति था, क्यों घटना हुई, उसके मन में क्या है, क्यों वो मेरी जान लेना चाहता है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो जब वो स्वयं पकड़ाएगा तो वही दे सकेगा। अभी यहाँ पर कुछ भी बोलना मुझे लगता है जल्दबाजी। अभी कोई FIR लिखित में शिकायत? हाँ, मैं निश्चित रूप से लिखित में पुलिस कंप्लेंट भिजवा रहा हूँ, इस पर FIR करवाएंगे और FIR के बाद जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा उसमें जो भी तथ्य आएगा वो सबके सामने रहेगा। देवास के सांसद हैं महेंद्र सिंह सोलंकी जी, उनको लेकर एक कॉल पर एक धमकी मिलने जैसे मामले की बात सोशल मीडिया में भी चल रही है, क्या पूरा विषय है और क्या इसमें आवेदन कोई प्राप्त हुआ है, क्या पूरा मामला? उन्होंने शायद फोन पर आपसे चर्चा भी करी उसके बाद में। आज दिनांक को देवास सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी के यहाँ एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आने की बात हुई है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने धमकाया है और उन्होंने उसमें बात की। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में भी आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण के जाँच के लिए CSP देवास को लगाया गया है, उनके नेतृत्व में टीम जांच पड़ताल कर रही है कौन व्यक्ति है, किसने कितने बजे की कॉल आया था आपको, कितने सूचना की है और कहाँ का फोन, तो आखिरी बार कहाँ बात हुई है? प्रकरण पूरा जांच में है, अभी तत्काल ही थाना सिविल लाइन में आवेदन प्राप्त हुआ है। प्रकरण के संबंध में जानकारी टेलीफोन के माध्यम से भी अधिकारियों को प्राप्त हुई थी, तो उसमें जांच शुरू कर ली गई थी। बाकी अभी थाना सिविल लाइन में इस संबंध में FIR की जा रही है और हमारी टीम जाँच कर रही है उस अज्ञात नंबर के बारे में। सर, उनका कहना है कहने के फोन जो कॉल आया वो कानपुर से जुड़ा हुआ है, पुलिस जाँच कर रही है, जाँच में जो भी तथ्य आएगा वो। क्या सर, सांसद जी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है? अभी जांच की जा रही है, जांच में जो भी असेसमेंट आएगा उस समय हम आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।